विकास सर, सोना कॉम्स का चार्ट देखिए एक बार। मैडम इसका चार्ट पैटर्न खराब है एंड मेरे को लगता है ये नीचे मेरे को नीचे 400 तक का लेवल दिखता है इस काउंटर में कि नीचे 400 तक ये काउंटर आ सकता है, तो मैं बोलूंगा कि इस काउंटर से दूर रहिए। दिस इज अ वेल्थ डिस्ट्रॉयर रेदर देन अ वेल्थ क्रिएटर। आई थिंक ये काफी दिनों से गिरते आ रही है काउंटर एंड आई थिंक 839 से काउंटर गिरते गिरते नियरली आधा हो गया। When market is at all-time high and this counter is inching towards its lower range, I think ये अपने 2021 का ही IPO, I think IPO के बाद ये जब आया था वहां अच्छा रैली दिया था, but after that it's continuously falling and अभी भी की है। अगर ये 400-450 के नीचे चला गया तो then 420-400 तक का लेवल दिख रहा है, तो मैं यही बोलूंगा कि राइट नाउ करेंटली इट इज नॉट लाइक ये काउंटर मेरे को वेल्थ क्रिएशन क्रिएटर के तरफ का तो नहीं लग रहा है। तो अगर किसी के पास लॉन्ग आई थिंक अगर कोई ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं तो उनके लिए यहाँ पे एग्जिट करना थोड़ा सा टफ होगा, बट आप इसको एक काम कर सकते हैं कि इससे निकल के आप इसी रेंज का कोई दूसरे काउंटर पे स्विंग कर सकते हैं। आपने हमारे इस शो में देखा होगा बहुत सारे एनालिस्ट आते हैं, तो अगर आपको इस लेवल का कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग काउंटर दिखता है तो आप इसमें से निकल के सेम अमाउंट को वहां पे स्विंग कर लीजिए, तो आपको हो सकता है वहां पे इसका लॉस कवर्ड अप हो जाए। बट इस पे मैं फ्रेश भाई की सलाह नहीं दूंगा और इस काउंटर को अवॉइड की ही राय दूंगा जी। तो ये थी राय सोना BLW पर।